हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 3.3 शुरू कर रहे हैं बहुपद में। प्रश्नावली 3.3 में आपको चेक करना है कि दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, या द्विघात बहुपद है या नहीं। तो उसके लिए द्विघात बहुपद क्या होते हैं, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था जब 3.1 करवाई थी। द्विघात बहुपद का मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो। तो घात अधिकतम दो अगर है चर की, तो आप कहोगे कि हाँ ये द्विघात बहुपद है, और अगर घात दो नहीं होगी तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो पहले सवाल में आपको ये जांच करनी कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। समीकरण का मतलब बराबर का साइन, बराबर का साइन नहीं होगा तो बहुपद कहलाएगा वो। तो यहाँ पर इन समीकरण को सॉल्व करने हैं, और अगर एक्स स्क्वायर आ जाता है, मतलब कि घात दो आती है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये द्विघात बहुपद है, और यदि घात दो नहीं आएगी तो आप कहेंगे कि ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर जो कोष्टक दिया हुआ, उस कोष्टक को खोलेंगे, एक्स का गुणा एक्स के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक के साथ करेंगे एक्स प्लस आठ, एक्स प्लस दो और एक्स माइनस दो। ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसको खोल दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी है, इसलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास में सिर्फ क्या बचा, एक्स प्लस आठ बराबर माइनस चार। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको तो सिर्फ क्या करना है, जाँच करनी है, मतलब कि एक्स की घात दिखनी है। तो हमको एक्स की घात एक दिख रही है, तो ये द्विघात बहुपद है ही नहीं इसको, इसलिए हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपको लिखना है क्योंकि एक्स की घात दो नहीं है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सवाल है x प्लस दो का होल क्यूब। तो होल क्यूब को खोलने के लिए हमने नाइन्थ क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला था, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करके हम इस कोष्टक को खोलेंगे, ए क्यूब मतलब कि एक्स क्यूब, फिर बी क्यूब मतलब कि दो का क्यूब, फिर थ्री ए स्क्वायर बी और थ्री ए बी स्क्वायर। ये ओपन कर लिया हमने, यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब आएगा। एक्स क्यूब दो का क्यूब करेंगे आठ, तीन दूनी छः एक्स स्क्वायर, फिर दो का स्क्वायर चार और चार तीन बारह एक्स। ये हो गया LHS। RHS में क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस चार। ऐसा करने से क्या हुआ, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब हमारे पास में क्या बचा है, जो पहले एक्स स्क्वायर आएगा तो सिक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बारह एक्स प्लस आठ, और इधर आएगा तो माइनस का प्लस बराबर जीरो। एक्स की घात कितनी आ रही है, दो आ रही है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। तो आपको लिखना है क्योंकि एक्स की अधिकतम घात दो है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, और बराबर में क्या है, एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर। तो LHS को तो कुछ नहीं करना है, RHS को खोलना पड़ेगा। तो LHS हम ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, RHS में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब खोलने से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, तीन एक्स ये इधर आएगा तो प्लस चार एक्स प्लस एक और माइनस चार बराबर जीरो। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्स की घात कितनी आ रही है, एक आ रही है, इसका मतलब कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि एक्स की अधिकतम घात एक है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चौथा सवाल x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x अपॉन में है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको LCM लेंगे, x LCM ले लिया, x का गुणा x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर ये एक और x का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स क्यूब, और बराबर में लिख दिया हमने जीरो। तो ये जीरो के साथ गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स क्यूब। x की अधिकतम घात कितनी है, तीन है, क्योंकि x की अधिकतम घात तीन है
इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको किसी भी समीकरण को चेक करना है कि वो द्विघात है या नहीं है। दूसरा सवाल है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल करना है। आपको अब द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, उन द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करना हमने प्रश्नावली 3.1 में भी सीखा था, वहाँ पर क्या शब्द था, शून्यक ज्ञात कीजिए। पर अपन ने शून्यक जैसे ज्ञात किए वैसे यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस है। क्या किया था हमने, फर्स्ट और लास्ट का गुणा किया था, 2 3 6, और 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस का 5 आ जाए। तो माइनस 5 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 -3 करने पर -5 आ रहा है, तो गुणा करने पर 2 3 6 भी हो रहा है और जोड़ने पर हमको -5 मिल रहा है। तो टुकड़े हो गए ये 2x² -2x -3x और +3। अब क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं 2x कॉमन तो कोष्ठक में आ जाएगा x-1, इन दोनों में से 3 कॉमन तो कोष्ठक में आ जाएगा x-1, दोनों में से वापस क्या कॉमन है, x-1 कॉमन, यहाँ से मिला 2x और ये -3। गुणनखंड करने के बाद में दोनों को अलग अलग करना है 0 के बराबर, x-1 = 0, 2x-3 = 0। तो यहाँ से हमको x के दो मान मिलेंगे, x बराबर इधर से इधर आया तो 1 और यहाँ से 2x = 3, x = 3/2। तो अतः x = 1 और x = 3/2, ये दोनों हमारे आंसर। इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है, 9x² - 3x - 2, हमको यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है, 9 × -2, 9 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18। -18 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि -3 आ जाए। तो 9 और 2, 9 में से 2 जाएंगे तो 3 नहीं आएगा हमारे पास में, 7 आ रहा है, तो हमको 18 के कोई और टुकड़े सोचने पड़ेंगे। तो 6 3 18, तो -6 और +3 करें तो -3 आ रहा है, और 6 और 3 का गुणा करने पर हमको -18 मिल रहा है। तो ये वाले गुणनखंड अगर हम लिखें तो हमको -3 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x² - 6x + 3x - 2। फिर क्या करना होता है, कॉमन लेना है, इन दोनों में से एक तो 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3 3 9 और 3 2 6। यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कोष्टक में लिखेंगे 3x - 2, दोनों कोष्टक सेम है, 3x - 2, यहाँ से मिला हमें 3x और ये +1। फिर क्या करेंगे, 0 के बराबर 3x - 2 = 0, 3x = 2, x = 2/3। इसी तरह से यहाँ पर 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। तो हमारे आंसर हैं 2/3 और -1/3। तीसरा सवाल है, √3x² + 10x + 7√3। यहाँ पर भी हमें फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का गुणा करना है। 7√3 का जब √3 से गुणा करेंगे तो 7√3 का √3 से गुणा किया तो 3 और 7 3 21। 21 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 10 आ जाए, तो 21 के टुकड़े हो रखे हैं, 7 और 3, 7 3 21 भी होता है, और 7 और 3 को जोड़ने पर 10 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम यूँ ही लिख देंगे, √3x² + 3x + 7x + 7√3। हमने 10 की जगह क्या लिख दिया, 3x और 7x। लेकिन इस सवाल में ध्यान रखना है कि आपके पास में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर √3x² है, तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस 3 की जगह पर आप √3 × √3 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि √3 का जब √3 से गुणा करेंगे वापस क्या आ जाएगा, 3। लेकिन लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि √3 × √3 लिखने से कॉमन मिल जाएगा हमको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √3x² दे, यहाँ पर √3 × √3 लिख रहे हैं, और साथ में x, फिर 7, दोनों में से कॉमन है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ पे तो कॉमन है, तो यहाँ पर हमको 7x लिखना है और ये 7√3। अब क्या करेंगे, √3x दोनों में से कॉमन, √3 और x, तो यहाँ से मिला हमको x + √3। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो कोष्ठक में आ जाएगा x प्लस
रूट तीन। दोनों कोष्टक वापस कॉमन है हमारे, एक्स प्लस रूट तीन, तो यहाँ से मिला हमको रूट तीन एक्स प्लस सेवन। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस रूट तीन बराबर ज़ीरो, रूट तीन एक्स प्लस सेवन बराबर भी ज़ीरो। एक्स का मान मिलेगा हमको यहाँ से प्लस का इधर आएगा तो माइनस रूट तीन, और इधर रूट तीन एक्स बराबर माइनस सात, एक्स बराबर माइनस सात बटावा रूट तीन। तो हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे माइनस रूट तीन और माइनस सात बटावा रूट तीन। चौथा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस सोलह। सोलह के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस का आठ आ जाए। तो सोलह किसके पार्ट में था, दो अट्ठे सोलह, लेकिन दो और आठ को न जोड़ने पर और घटाने पर हमको आठ नहीं मिल रहा है, तो हम दो से नहीं लेंगे। अब हम और किसके पार्ट में आता है, सोलह चार के पार्ट में आता है, चार चौक सोलह, और चार को जोड़ने पर माइनस आठ आ रहा है। इसका मतलब कि हम यहाँ पर माइनस आठ की जगह क्या लिख देंगे, माइनस चार एक्स माइनस चार एक्स, माइनस चार माइनस चार माइनस आठ भी हो जाएगा, और गुणा करने पर वापस हमारा सोलह भी आ रहा है, ये प्लस सोलह। फिर कॉमन लेंगे x कॉमन, ये x माइनस चार, इन दोनों में से माइनस चार कॉमन, ये x माइनस चार, दोनों में से वापस क्या कॉमन है, x माइनस चार, और इधर भी ये x माइनस चार। अब क्या करना है, ज़ीरो के बराबर करना है, x माइनस चार बराबर ज़ीरो और x माइनस चार बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से x बराबर मिलेगा हमें चार, और इधर भी x बराबर चार, तो हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे x बराबर चार और चार। पांचवें सवाल में आपको सवाल जो दिया हुआ है वो अलग तरीके से दिया हुआ, द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया है। तो ऐसे सवाल जो आपको द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिख रहे हैं, तो पहले आपको क्या करना है, उनको द्विघात के रूप में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, x माइनस दो और x माइनस एक का ले लिया एलसीएम, फिर x माइनस एक का एक से गुणा करेंगे तो x माइनस एक, प्लस दो का गुणा करना है हमको किससे, x माइनस दो से, और बराबर में क्या चल रहा है, छः बटावा x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे, तो यहाँ ऊपर तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक प्लस दो x माइनस दो दूनी चार, और अपॉन में इन कोष्टक को खोलना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स, माइनस दो एक्स, और दो एकम दो माइनस इंटू माइनस प्लस, और बराबर में क्या है, छः बटावा एक्स। अब कुछ जुड़ रहा है या घट रहा है तो उनको कर देंगे हम, तो यहाँ पर दो और एक तीन एक्स, माइनस चार और माइनस एक माइनस का पाँच, एक्स स्क्वायर माइनस दो और माइनस एक माइनस तीन एक्स, और प्लस दो बराबर छः बटावा एक्स। अब क्या करना है, हमें क्रॉस गुणा करना है, इसका गुणा इधर और इनका गुणा इधर करेंगे, तो x का गुणा 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5x, 6x स्क्वायर, 6 तिया 18x और 6 दुनी 12। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर सारे एक साथ रहेंगे, एक्स एक्स सारे एक साथ और अचर पद सब एक साथ, तो यहाँ पर ये 3x स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस 6x स्क्वायर, फिर माइनस पाँच एक्स, ये इधर आएगा तो प्लस 18x, और ये इधर आएगा तो माइनस 12, बराबर में क्या बचा, ज़ीरो। तीन माइनस छः करना है, तीन माइनस छः बराबर माइनस 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 18 में से 5 जाएंगे तो 13x, और माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस 12 बराबर ज़ीरो। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है, तो अगर आपको लगता है कि माइनस साइन से गड़बड़ हो सकती है तो आप इस माइनस के साइन को यहाँ से हटा दो। तो जैसे ही हम इस माइनस के साइन को हटाएंगे तो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस हटा दिया मैंने, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस 13x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 12 बराबर ज़ीरो। अब हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया, जैसा वो था वैसा बन गया। फर्स्ट और लास्ट का गुणा, 12 तिया 36, 36 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस 13 आ जाए, तो 36 के टुकड़े क्या होंगे, माइनस 13 लाने के लिए 3x स्क्वायर 9x, 9 चौक 36 होते हैं, माइनस का 9x लेना पड़ेगा, माइनस 9x माइनस 4x और प्लस 12, माइनस 9 और माइनस 4 का गुणा करने पर 36 आ जाएगा प्लस का, और माइनस 9 माइनस 4 बराबर वापस माइनस 13 भी आ जाएगा। फिर क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों में से, तो 3x कॉमन, तो कोष्टक में x माइनस 3, यहाँ से 4 कॉमन, कोष्टक में x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में से कॉमन है,
तो यहाँ से मिला हमको 3x माइनस 4। अब 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा 3, 3x बराबर 4 और x बराबर 4 बटा हुआ 3। तो हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे x बराबर 3 और 4 बटा हुआ 3। ठीक है, फिर छठा सवाल है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। अब हमको क्या करना है, 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस का 20 आ जाए। तो 100 के टुकड़े क्या होंगे, माइनस 20 लाने के लिए 10 दाए 100 और 10 और 10 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 20। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10, क्योंकि माइनस का 20 थी इसलिए माइनस माइनस लिया अपन ने, और प्लस 1। दोनों में से कॉमन क्या है, 10x कॉमन, तो कोष्टक में आ जाएगा 10x माइनस 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं इसलिए 1 लिख देंगे और 10x माइनस 1। दोनों कोष्टक वापस सेम है, 10x माइनस 1, तो यहाँ से हमको क्या मिला, 10x माइनस 1, गुणनखंड हो गए। अब 10x माइनस 1 बराबर 0 और इधर भी 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर 1 बटा हुआ 10। इसी तरह से यहाँ पर भी 10x बराबर आएगा 1, x बराबर 1 बटा हुआ 10। तो हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे x बराबर 1 बटा हुआ 10 और 1 बटा हुआ 10। सातवां सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2। यहाँ पर रूट आ रहा है सवाल में बीच में, तो अपन पहले तो वही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का गुणा, 3 × 2 बराबर 6। अब हमें चाहिए 2√6, तो 6 को हम √6 × √6 लिखें तो गुणा करने पर तो 6 आ जाएगा, और −√6 और −√6 को जोड़ने पर माइनस का 2√6 आ जाएगा। मतलब कि इस 6 को हम क्या ले सकते हैं, −√6 और −√6 गुणनखंड हो जाएंगे, ताकि जोड़ने पर हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का 2√6। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3x स्क्वायर −√6x और प्लस 2। यहाँ तक करने के बाद अभी भी हमको देखना है कि हमको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कॉमन नहीं मिल रहा, जैसे हमने पहले वाले सवाल में क्या था कि 3 की जगह क्या लिख दिया था, √3 × √3। इस 2 की जगह लिख देंगे हम √2 × √2 और इस √6 की जगह हम लिख देंगे √2 × √3। तो यहाँ पर हमने सबको टुकड़े कर दिए, जो रूट में नहीं था उसको रूट में बदल दिया और जो रूट में था उसके गुणनखंड और कर दिए। 6 को हम क्या लिख देंगे, 2 × 6। तो यहाँ पर हम 3 की जगह लिख रहे हैं √3 × √3x² √6 को लिख रहे हैं √2 × √3x, यहाँ पर भी √2 × √3x और रूट सिर्फ 2 की जगह लिख देंगे √2 × √2। सबको रूट में बदल दिया हमने। अब देखते हैं कॉमन, √3x कॉमन दिख रहा है, √3x कॉमन, तो यहाँ से बचेगा √3x माइनस, ये पूरा तो बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या बचा, √2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास √3x बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज और ये √2। अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब हमने जो गुणनखंड किए हैं वो सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3x − √2, इधर से मिला हमको √3x − √2। अब गुणनखंड हो गए, 0 के बराबर करेंगे हम इसको, √3x − √2 = 0, √3x = √2, √3x = √2 आ गया, तो x = √2/√3। अब दोनों के ऊपर रूट है इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो x = √2/3, पूरे के ऊपर लगा देंगे हम रूट, जैसा इधर है वैसा का वैसा इधर, √3x − √2 = 0, √3x = √2, x = √2/3, ये हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, फिर आठवां सवाल है x² + 8x + 7। अब 7 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो हम 7 को क्या ले सकते हैं, 7 × 7 और 7 × 7 से 7 और 1 = 8 हो जाएगा, तो गुणनखंड भी होगा, 7 × 7 = 7 + 1 = 8। तो यहाँ पर डायरेक्ट सवाल हो रहा है हमारा 7x + x, 7 और 1 = 8 + 7। इन दोनों में से x कॉमन, तो ये x + 7, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं इसलिए 1 और ये x + 7, x + 7 वापस कॉमन है, तो यहाँ से मिला हमको x + 1।
एक्स प्लस सात बराबर ज़ीरो, एक्स प्लस एक बराबर ज़ीरो, एक्स बराबर माइनस सात और एक्स बराबर माइनस एक। तो हमारे आंसर होंगे एक्स बराबर माइनस सात और एक्स बराबर माइनस एक। नौवा सवाल है, एक्स प्लस तीन अपॉन एक्स प्लस दो बराबर तीन एक्स माइनस सात और दो एक्स माइनस तीन। यहाँ पर भी आपको द्विघात के रूप में नहीं दिया हुआ है सवाल, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्रॉस गुणा करना है, वज्र गुणा करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ में। तो x प्लस तीन को गुणा करना है हमको 2x माइनस तीन के साथ में, इधर 3x माइनस सात को गुणा करना है x प्लस दो से। कोष्टक खोलेंगे हम, x इंटू दो एक्स करेंगे तो 2x स्क्वायर फिर माइनस 3x, तीन का गुणा कर रहे हैं, तीन दूनी 6x, तीन तिया 9, 3x का x गुणा करेंगे 3x स्क्वायर फिर तीन दूनी 6x, माइनस सात इंटू एक्स, माइनस सात का दो से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 14। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काटेंगे, ये 6x, 6x दोनों प्लस के हैं कट जाएंगे, हमारे पास में क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14। अब क्या करना है, पक्षांतर करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर ये माइनस 3x ये इधर आएगा तो प्लस का 7x, माइनस 9 ये इधर आएगा प्लस 14 और बराबर में क्या लिखा हमने 0, क्योंकि हमने सारे ये तीनों इधर भेज दिए तो बराबर में 0। फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x तो माइनस का x स्क्वायर, सात में से तीन गया तो 4x आएगा वो भी प्लस का, फिर 14 माइनस 9 करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 5 बराबर 0। वापस माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन हटाने के लिए हमको साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस 4x और माइनस 5 बराबर 0। अब क्या करना होगा, माइनस 5 है, माइनस 5 के टुकड़े करने हैं और माइनस का 4, तो 5 भी क्या है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के टुकड़े क्या होंगे 5 एकम 5 और 5 में से एक माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस x, क्योंकि माइनस 5 प्लस 1 बराबर माइनस 4 और माइनस 5 बराबर 0। x कॉमन, कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 5, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं इसलिए 1 लिखकर x माइनस 5 लिखेंगे और बराबर 0। दोनों कोष्टक में वापस क्या कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है तो यहाँ से मिलेगा हमें x प्लस 1 और बराबर 0। फिर दोनों को अलग अलग करना है हमें, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 5 और x बराबर माइनस का 1, ये हमारे दोनों आंसर। दसवां सवाल है, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a4 माइनस b4। अब इस सवाल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट लास्ट का गुणा करेंगे, तो पहले मैं इसका रफ वर्क करके बता रही हूँ आपको थोड़ा सा, कि हमने फर्स्ट संख्या ली 4 और लास्ट संख्या है a4 माइनस b4, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमारे पास आ जाए माइनस 4a स्क्वायर x। अब हम क्या करें, चार के टुकड़े तो हमको पता है कि 2 इंटू 2 लिख देते हैं, चार की जगह 2 इंटू 2, अब घात 4 है इसको हम लिख देते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर और b स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ऐसा करने से ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बाहर 2 इंटू 2 तो है ही है और इसको खोल रहे हैं a प्लस b और a माइनस b, तो ये हमने a4 और b4 को लिख दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमें इसको किस तरह से किन संख्याओं को आपस में जोड़े घटाए कि हमारे पास माइनस का 4 आ जाए, तो दो यहाँ पे दो दो इंटू दो एक दो इसको दे देते हैं और एक दो कोने में है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो ये 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर ये 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको कोष्टक को खोल देते हैं हम, 2 a स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 ए स्क्वायर माइनस 2 बी, अभी मैं यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा रही हूँ, क्यों नहीं लगा रही हूँ वो देखो, हमको चाहिए बीच में माइनस 4 ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर से आ रहा है और ये कट भी रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर ये 2 ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर जुड़ के 4 ए स्क्वायर दे रहे, लेकिन माइनस का साइन चाहिए हमको, तो माइनस का साइन चाहिए इसलिए यहाँ पर लगाते हैं माइनस और यहाँ पर भी लगाएंगे माइनस, माइनस का 2 ए स्क्वायर से ये गुणा होगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी आएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस।
अब देखो ये माइनस का 2b स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर कट गया और ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ के माइनस का 4a स्क्वायर। इसका मतलब कि हमारे गुणनखंड क्या होगा, ये गुणनखंड हो गए कि हमने फर्स्ट लास्ट का गुणा किया था और उससे हमने टुकड़े कर दिए ये, और इसको जब सॉल्व कर रहे थे हमको क्या मिल रहा, बीच वाली टर्म मिल रही है माइनस 4a स्क्वायर। तो यही चीज़ें मैं वहाँ लिखूँगी। सबसे पहले पहली संख्या है हमारा पहला पद है 4x स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं माइनस 2 फिर कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बाहर x लगाना ही पड़ेगा, फिर ये माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और कोष्टक के बाहर x चाहिए क्योंकि साथ में x चाहिए हमको, और यहाँ पर a 4 b 4 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की घात 4 और बी की घात 4 को हमने सॉल्व करके ऐसा लिखा है, तो हमने यहाँ पर यूँ का ही लिख दिया। अब हम कॉमन लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 और 4 में से कॉमन क्या है, तो 2 और दोनों में से x कॉमन है, तो कोष्टक के अंदर आ जाएगा 2x माइनस, माइनस लगा के ये वाला कोष्टक पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x तो बाहर चला गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोष्टक में क्या बचा, 2 और साथ में क्या बचेगा, एक्स। कोष्टक के बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर चला गया तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया। अब हम देखते हैं दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं, कॉमन है, तो यहाँ से 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर से मिला हमको 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम जीरो के बराबर करेंगे, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ज़ीरो, और इधर भी 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ज़ीरो। अब ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में 2x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2। ये आ गया एक आंसर। इधर 2x बराबर ये इधर से इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा हुआ 2। तो ये दोनों हमारे आंसर्स। 11वां सवाल है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीच वाला पद है उसमें माइनस दिख रहा है, जब भी बीच वाले पद में माइनस का साइन या प्लस का साइन आ जाए तो, और बाहर अगर x लिखा है तो इसका मतलब कि आपको बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल, क्योंकि डायरेक्ट हम कोष्टक जब खोलेंगे तो वो वैसे टुकड़े हो जाएंगे उसके, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी बराबर ज़ीरो। अब हम जैसे नॉर्मली करते हैं कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, एक तो b कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ से मिलेगा ए एक्स प्लस बी। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो माइनस लगाना पड़ेगा और एक c कॉमन है, तो हमको क्या मिला, ए एक्स प्लस बी। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से बी एक्स माइनस सी, ए एक्स प्लस बी बराबर ज़ीरो और बी एक्स माइनस सी बराबर ज़ीरो। ए एक्स बराबर ये प्लस का इधर आएगा माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से यहाँ पर बी एक्स बराबर सी और एक्स बराबर सी बटावा बी, तो हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए और एक्स बराबर सी अपॉन बी। यदि आप सभी ने मेरी वीडियो को पसंद किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी वीडियो को ज़रूर दूसरे के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।